हम हरियाणा वासियों को कुछ अलग से बताने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हरियाणा मंत्रिमंडल का शीघ्र ही विस्तार होने वाला है, इसको लेकर विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को जो कभी बैंक के कैश संभालते थे, क्या अब हरियाणा का कैश संभालेंगे? अब हम हरियाणा वासियों को बताना चाहेंगे कि अप्रैल 1974 में अनिल विज ने सबसे पहले SBI बैंक चंडीगढ़ में अपना करियर कैशियर की पोस्ट से शुरू किया। अन्य भावी मंत्रिमंडल में जो विधायक शामिल किए जा सकते हैं उनके बारे में डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, देखें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अर्थप्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे आप सबको पता है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी शीघ्र होने वाला है, सभी ये कयास लगा रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश दिल्ली में जा चुके हैं मंत्रिमंडल के सदस्यों में के बारे में विचार विमर्श करने के लिए हाईकमान से। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मंत्री हैं जो कौन कौन से MLA हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री अनिल विज। अनिल विज जो एक दबंग लीडर हैं, 6 बार MLA बने अम्बाला कैंट से, यानी उन्होंने अम्बाला कैंट छावनी को BJP की छावनी में तब्दील ही कर दिया है। और सबसे बात है कि उनकी ईमानदारी, उनका व्यक्तित्व, उनका राजनीतिक कद और उनके अनुभव को देखते हुए ये लगता है कि उनको अपने इस जो नई अपनी गवर्नमेंट हरियाणा में रिफॉर्म हुई है BJP की सरकार में, वो सेकेंड नंबर का दर्जा है उनको उप मुख्यमंत्री के बाद। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको मौजूदा विभाग के अलावा एक बहुत बड़ा विभाग दिया जा सकता है। और सेकेंड हम बात करते हैं उसके बाद कंवरपाल गुज्जर ही 2 बार विधायक रहे हैं जगाधरी से, और पिछली बार स्पीकर थे और इस बार स्पीकर नहीं बने, उनकी जगह ज्ञानचंद गुप्ता जी आ गए हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको कैबिनेट में एक बहुत अच्छा स्थान मिल सकता है कंवरपाल गुज्जर जी को भी। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वह श्रीमती सीमा त्रिखा जी 2 बार MLA रही हैं, पिछली बार CPS भी रही हैं हरियाणा के अंदर, और बीइंग लेडी उनको भी एक बहुत अच्छा कैबिनेट के अंदर उनको स्थान मिल सकता है। और उसके बाद है डॉक्टर कमल गुप्ता, 2 बार MLA हैं हिसार से, और अगर हम देखा जाए कि उनको भी हरियाणा के कैबिनेट मंत्रालय में, वो CPS भी रहे हैं, उनको भी इस मंत्रालय के अंदर किसी ना कहीं पर एडजस्टमेंट हो सकती है। अब हम बात करते हैं जजपा की। जैसे आपको पता है कि जजपा भी 10 सीटें जीती हैं, उन्होंने भी अपने 3 मंत्रियों की बात की थी जिसमें दुष्यंत चौटाला जी DPCM बन चुके हैं, उनके 2 पड़े हैं, और 2 में ऐसे लगते हैं राम कुमार गौतम जी हैं जो नानो से, उनको स्थान मिल सकता है। और उसके बाद अनूप धानक जी जो कई बार MLA भी रहे हैं, उनको भी स्थान मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए कि ये जो स्थिति है और जो ये स्थिति है जिनके अंदर हाईकमान भी सोचने को मजबूर हो जाएगा, और तकरीबन ये नाम फाइनल है। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात आ रही है अनिल विज जी जो एक दबंग लीडर हैं, दबंग छवि है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ईमानदारी, अपने व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने अपने ये मुकाम हासिल किया है। आज उनके ये हो सकता है कि वो अप्रैल 1974 में, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि अप्रैल 1974 में उन्होंने SBI में एक कैशियर की जॉब पर काम किया। और उसके बाद अब ये देखना है BJP हाईकमान उनको क्या हरियाणा का कैशियर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, क्या उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर बहुत बड़ी बात लोगों के मन में ये सवाल भी हैं कि ये अब आगे कैसा होगा। ये सब बातें, ये कयास हैं, लेकिन बहुत जल्दी हरियाणा के जो अपने हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल की छवि। और अनिल विज जी के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे कि हरियाणा में सिर्फ अम्बाला कैंट ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसके अंदर कोई भी सेंटर लीडर की किसी की भी कोई रैली नहीं हुई। और उनका एक नारा था जो पूरे हरियाणा में 75 पार का नारा था, तो अनिल विज जी का नारा था काम किया है काम करेंगे। और उनके विकास के नाम पर जो, जैसे आपने देखा होगा इन इलेक्शनों में तमाम मिनिस्टर हार गए हैं, लेकिन उस आंधी के अंदर भी अनिल विज जी ने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने हाथ में कायम रखा और भारतीय जनता पार्टी के झोली में अपनी MLA बनकर एक सीट डाली। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब कयास है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये सब भगवान को ही पता है। लेकिन ये हो सकता है जिन नामों की हमने बात की है उनमें हरियाणा मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल सकता है। ये थी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हरियाणा मंत्रिमंडल के बारे में। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।